गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम हिंदी राइटिंग करेंगे आपकी हिंदी राइटिंग बुक में। बच्चों, जैसा कि मैम ने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपके पास राइटिंग बुक नहीं है तो आप एक न्यू कॉपी बना लें, हिंदी की न्यू कॉपी, और ये वाला काम आप उसमें कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। बच्चों, जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या डालेंगे? डेट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये क्या देख रहे हैं बच्चों आप? ये किस चीज का चित्र है? बटन। अब आप देखेंगे मैम कैसे लिख रही है। ब बनाया, ट, न, बटन, और पूरे ऊपर सीधी लाइन खींचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। एक बार फिर से, ब, ट, न, बटन, अगेन स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं बच्चों, 1 2 3, थ्री लाइंस हैं। इन थ्री लाइंस के अंदर आपको ये करना है, ठीक है? जब आप सुंदर सुंदर राइटिंग करते हैं तो अच्छा लगता है। अब प्रैक्टिस करेंगे अच्छी अच्छी राइटिंग की, है ना बच्चों? सुंदर सुंदर राइटिंग आप करेंगे, मैम आपको क्या देंगी? फिर स्टार देंगी। चलिए आगे देखिए, ये क्या चित्र है? कमल। अब आप देखेंगे 1 2 3, थ्री लाइंस है। इन थ्री लाइंस में ही हमें लिखना है, क, म, ल, कमल, अगेन स्ट्रेट लाइन, क, म, ल, कमल, स्ट्रेट लाइन। बच्चों, जब आप ये काम करेंगे तो ये काम आपको एक दिन में नहीं करना है, ठीक है? आप एक दिन में ये दो वर्ड करें, फिर दूसरे दिन ये दो करें, ठीक है बच्चों? एक साथ सारा काम नहीं करना है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी राइटिंग कर सकेंगे, और आप प्रैक्टिस करेंगे फिर अच्छी राइटिंग करने की, ठीक है? आगे देखिए क्या चित्र है बच्चों, कलश। अब देखिए मैम कैसे बना रही है इन थ्री लाइंस में, स्ट्रेट लाइन, क, ल, श, कलश, अगेन, क, ल, श, कलश। क्या बन गया बच्चे शब्द? कलश। क्या शब्द बना बच्चों ये? कलश। आगे देखिए क्या है ये, क्या चित्र है? इसे हम क्या करते हैं? कलम। कलम से हम क्या करते हैं बच्चों? लिखते हैं। अब आप देखेंगे फिर से, स्ट्रेट लाइन, क, ल, म, कलम, अगेन, क, ल, म। पहले आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर इन दो लाइनों में आप ये काम करेंगे। बच्चों, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपके पास राइटिंग बुक नहीं है तो आप एक हिंदी की न्यू कॉपी बना लीजिए, और ये वाला काम आप उसमें कर सकते हैं। एक दिन में आपको काम नहीं करना है, ठीक है? स्लोली करेंगे, और जब आप धीरे धीरे करके ये सारा काम करेंगे
तो आप अच्छी हैंड राइटिंग में करेंगे, फिर आप अच्छी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना बच्चों? बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे जो कि पेज नंबर 5 पे है। पहले मैम ने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले हम क्या डालते हैं, डेट, ठीक है। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। ये क्या है बच्चों, बढ़ई। बढ़ई कौन होता है, जो आपका लकड़ी का काम करता है, आपकी लकड़ी की चीजें बनाता है, जो चीजें खराब हो जाती है उनको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो चलिए देखेंगे मैम कैसे लिख रही है। बिंदु जरूर लगाएंगे, बढ़ई। अगेन ब, बढ़ई। ये क्या चित्र है, बत्तख। देखिए मैम कैसे लिख रही है। ब, बतख। स्ट्रेट लाइन। बच्चों आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कितनी लाइंस हैं, ब्लू लाइंस कितनी है, 1, 2, 3। इन 3 लाइंस में ही आपको ये शब्द लिखने हैं, ठीक है बच्चों? आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चलिए आगे देखिए एक बार फिर से, बतख। आपने देखा मैम जब लिख रही हैं तो कोई भी जो ये 3 लाइंस है इन्हीं के बीच में लिख रही है मैम, इससे नीचे नहीं जा रहा है मैम का शब्द, है ना? आपने देखा ऐसे ही आपको करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में करोगे, है ना बच्चों? तो मैम आपको क्या देंगी, स्टार देंगी। और जब आप सुंदर सुंदर राइटिंग करोगे तो फिर आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, है ना बच्चों? चलिए आगे देखिए ये क्या है, मगर। म, ग, र। अब एक बार फिर से देखेंगे, म, ग, र। मगर। स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी। देखा आपने मैम कितना नीटली कर रही है, ऐसे ही आपको भी करना है, ओके बच्चों? आगे देखिए ये क्या है, शहद। शहद खाते हो आप लोग, कैसा होता है स्वाद में, मीठा, है ना बच्चों? चलिए अब देखेंगे, श बनाया, ह, द, शहद। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये 3 लाइंस है, इन 3 लाइंस के बीच में ही आपको लिखना है, ठीक है? शब्द उस लाइन से नीचे ना आए बच्चों, ठीक है? इन 3 लाइंस में ही आपको लिखना है। एक बार फिर से, श, ह, द, शहद। बच्चों ये 2 पेज आपको पेज नंबर 4 और 5 करने हैं, ठीक है? एक दिन में नहीं करना है, धीरे धीरे करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो हैंड राइटिंग है उसको और इम्प्रूव कर सके, ठीक है बच्चों? खूब प्रैक्टिस करेंगे अपने घर में और खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। एक बार फिर से मैम आपको बता दें, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एक न्यू हिंदी की कॉपी बनाएंगे और उसमें ये वाला काम करेंगे, ओके बच्चों? टेक केयर, बाय बाय।